कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स ये लेके आ गई हूँ मैं सेकेंड पार्ट गृह प्रवेश का जो था तो वो सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ आप लोगों के साथ में शेयर किया है मैंने तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और फुल फुल वॉच कीजिएगा और पूरा दिखिएगा लास्ट तक बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद कमेंट कर करके बताइए कैसा लगा मेरा आप लोगों का गृह प्रवेश का मेरा जो ये ब्लॉग है तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम गंगा जी के जो तट है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और वहाँ पे पूजा हो रहा है जो जब यहाँ पे जल भरते हैं जो कलश हम लोग लेके गए हुए हैं यहाँ पे तो यहाँ पे जल भर के और फिर ले जाएंगे फिर पूजा में सारे जल जो है रखाएगा पूरा जितने गृह प्रवेश में जिनके जिनको पता बहुत लोगों को पता होगा कि फिर ये जो पूजा होगा सारे घर के सब कोने पर रखा जाता है और जहाँ पूजा होता है वहाँ भी रखा जाता है तो ये भी जल भरने का पहले का पूजा है थोड़ा बहुत जो पूजा पंडित जी यहाँ पर बैठ के करा रहे हैं उसके बाद आगे हम जल भरेंगे तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आप लोगों को पहले पिछली बार लास्ट टाइम मैंने छोड़ा था आप लोगों को बताया था कि ये घर जो है किसके सपने का किसने सपना देखा था और जो आज तैयार हुआ है और फ्रेंड्स ये जो घर है ये मतलब कि मेरी मम्मी ने बहुत इसके पीछे कारण है कि ये जो हमारा गांव का तो घर अलग है और ये हमारा जो छपरा बोलते हैं छपरा सिटी है वहाँ पे घर हमने लिया है तो जैसे कि प्रॉब्लम होती है कि जैसे छपरा कोई काम पड़ता है कोई अपने स्कूल के काम से कुछ ऑफिस के जो काम होते हैं ना उसके काम से जैसे मम्मी आती थी और आने के बाद जब छपरा में आओ ना तभी भी वही हाल है अभी भी थोड़े चेंज हुए हैं लेकिन अभी जैसे शाम होते ही क्या होता है कि आपको सात बजे के बाद जैसे गाड़ी वाड़ी मिलती नहीं है फिर प्रॉब्लम हो जाती है छपरा से हमारा लोकल हम जहाँ जाते हैं बस वस चलती नहीं है फिर लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी इसके चक्कर में फिर जल्दी जल्दी मतलब कि लोग बोलते हैं जैसे कुछ काम है कुछ काम अधूरा रह जाता है तो जाना पड़ता था कि चलो गाड़ी नहीं मिलेगी प्रॉब्लम हो जाएगी एक तो गाँव का जगह वहाँ जाने में गाँव में बस भी अपना कहीं मतलब कि घर के पास बस नहीं पहुँचती कुछ किसी मार्केट में पहुँचती है फिर वहाँ से हम लोग फिर दूसरी गाड़ी करनी पड़ती है तो इसके चक्कर में तो फिर मम्मी का जो मेरा था कि एक अपना यहाँ पे रहना चाहिए कि अगर लेट वेट भी हो गया तो हम यहाँ पे रुक जाएं अपने घर पे रुक जाएं और फिर सुबह चले जाएं तो बोलते हैं ना कि कपरा था कि हम एक रुकने के लिए जगह होना चाहिए तो यही सोच में कि मेरी मम्मी ने इस जगह को बहुत दिन से मन था तो मम्मी ने लिया था इस ज़मीन को खरीदा था लेकिन लेने के बाद फिर दो तीन साल तो मम्मी की फिर मेरी तबीयत थोड़ी डाउन रही तो ये बन नहीं पाया उसके बाद फिर ये आप लोगों को पता है कि मेरी मम्मी हम लोगों के बीच में नहीं है और हार्ट अटैक आया और मेरी मम्मी हम सबको छोड़ कर चली गई तो आज दुख के साथ ही ये चीज़ बोलना पड़ रहा है तो तो वही आज बंद तो गया फिर चीज़ को नहीं था लेकिन मेरे पापा का फिर था कि जब मेरी मम्मी ने सपना देखा था सोचा था तो इसको पूरा जरूर करेंगी करेंगे तो यही बनाया गया और आज सब हम सब साथ हैं लेकिन आज नहीं जो नहीं दिख रहा है वो मेरी मम्मी नहीं दिख रही है जो जिन्होंने देखा था आज रहती तो कितना खुश होती और हमारे जगह पे आज मेरी मम्मी और मेरे पापा पूजा करते और पापा जैसे गृह प्रवेश है तो पापा के लिए पूजा नहीं कर सकते साथ में मजरी के साथ करना होता है तो इसीलिए पापा मैंने, मैंने मैंने मैं बड़ी हूँ मैं बहन में सबसे बड़ी हूँ तो फिर मैं मुझे ही सब लोग बोले कि आप पूजा करो तो इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ और यहाँ पर आप लोग बस आप लोग शांत दिखा और मेरी बातें सुनते जाइए जो बता रही हूँ आप लोग तो देख ही रहे होंगे सब चीज़ साथ में वीडियो चल रहा है तो फ्रेंड्स यही था और मेरी मम्मी का देखा हुआ सपना था जो कि आज पूरा हुआ है और काश की वो आज यहाँ पे रहती और आज सब चीज़ों को देखती तो बहुत खुश होती कि चलो आज मेरे को ये तो नहीं होगा कि भाग भाग के जैसे जाना होता है कि बस छूट जाएगा ये हो जाएगा जैसे कि मेरी मम्मी टीचर थी और आए दिन कुछ ना कुछ काम लगा रहता है छपरा हमारा मेन जो होता है सब चीज़ ऑफिस ऑफिस जो स्कूल के सारे काम होते कुछ ना कुछ ते ही चल लगा ही रहता था तो आना जाना लगा रहता था और हमारा घर यहाँ से जो है एक डेढ़ पौने दो घंटा लग जाता है घर जाने में गांव जाने में तो यही सोच के लिया था तो आज सपना तो पूरा हो गया है और इसके बगल में ही मेरी मौसी का भी बनाया शायद मैंने वीडियो मैंने गर गई तो थी लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई थी तो शायद नहीं दिखा पाऊंगी अगर होगा तो मेरे पास क्लिप होगा तो मैं आप लोगों के साथ डाल दूंगी तो मेरी मौसी भी जैसे कि टीचर थी मेरी बड़ी मौसी थी मेरी मम्मी की बड़ी बहन थी तो वो भी टीचर थी और मेरी मम्मी भी टीचर तो उनका भी यही प्रॉब्लम सेम था कि उनको भी जैसे जाना मतलब तो गाँव का जैसे होता है तो वही चीज़ था यहाँ पर तो यही सोच के उन्होंने भी लिया था इन्होंने ले लिया था और एक बात बताऊँ आप लोग सच सोचोगे कि ये ऐसे मतलब दुखद बात यह है कि उनका भी यही हुआ कि जब ये उन्होंने भी ज़मीन लिया उसके दो तीन साल के बाद कुछ मतलब उनका भी नहीं बन पाया उनके नज़र के सामने ये नहीं बन पाया था शायद नहीं बन पाया और मेरी मम्मी का भी वही हुआ था जो जो ज, 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 जो सोच के इन्होंने लिया मेरी ए, मम्मी मेरी मम्मी के सिस्टर ने वो नहीं उन लोगों को मतलब आंखों से उनका अपना ये चीज़ घर बनते नहीं देख पाए सिर्फ ज़मीन ही लेकर रह गए थे तो आज बन रहा है तो आज उनके बच्चे उनके फैमिली और मेरी फैमिली हम सब उनको बहुत बहुत याद करते हैं कि जिनका सपना था वो सपना नहीं देख पाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा हो रहा है और यहाँ पे जो गृह प्रवेश का जो विधि होता है वो यहाँ पे किया जा रहा है और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर क्या क्या सारे विधि जो होते हैं ए, क्या बोलते हैं नवग्रह की पूजा सब पूजा यहाँ पे करा रहे हैं पंडित जी तो फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और मेरे इन बातों को आप लोग क्या कहना है आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ कभी कभी सोचा हुआ बात पूरा नहीं हो पाता है जो सोचा था मेरी मम्मी ने मेरी मासी ने वो चीज़ आज नहीं उनके मन का बात नहीं है वो हमारे बीच नहीं है वो दोनों लोग नहीं है तो फ्रेंड्स इस बात को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आगे आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए आज हम आपको बहुत याद कर रहे हैं मम्मी हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं आज का साफ हमारे पास साथ में होती तो आज दूसरी ही बात होती और इस जगह पे आप बैठे होते कोई नहीं है लेकिन ले, इतना तो मुझे हमें लगता है कि आप हमारे आसपास में हैं और हमें देख रहे होंगे और आपका आशीर्वाद आपका प्यार हम सबके साथ है और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और दूर से जरूर कहीं ना कहीं हमें देख रहे होंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे पूजा जो हो हो रहे हैं और यहाँ आपने देखा कि आम के पत्तों को जो नारियल के उस रस्सी नारियल के रस्सी बोलते हैं उस पर बांध के दरवाजे पर टांगना बहुत ही शुभ होता है तो बांधा पंडित जी ने और कुछ यहाँ पर पूजा करवाया और भी लास्ट यहाँ पर हवन हो रहा है और हवन करने के बाद जो थोड़ा बहुत पूजा है वहाँ यहाँ पर सब होगा हम अभी आ चुके हैं छत पे और छत पे कुछ थोड़ा हवन शायद नीचे पंडित जी ने करवाया था उसकी विधि अलग होती है और छत पे फिर सब लोग मिल एक साथ हवन करेंगे तो ये उसके लिए छत पे आए हैं हम लोग यहाँ पे और यहाँ पर देखिए मेरे सर आ, मेरे बच्चे कजन सिस्टर एंड जो भाई होते हैं सब लोग हैं और मेरी चाची हैं और मेरी बड़ी मम्मी है जो येलो साड़ी में मेरे साइड में बैठी थी और ये मेरी छोटी सिस्टर मेरे पापा हैं और यहाँ पर जो खड़ी है वो मेरी मुझसे छोटी सिस्टर है और ये उनके हस्बैंड हैं जो यहाँ पे हवन कर रहे थे और एक और जो मेरे से तीसरे नंबर की सिस्टर है वो शायद वीडियो में आई मैं आप लोगों को फिर फोटो के साथ क्लिप कर दूँगी क्योंकि वो थोड़ी सी आगे मैं बताऊँगी आप लोगों को तो मेरी जो मुझसे जो तीसरी नंबर की जो मेरी सिस्टर है वो नीचे है वो वीडियो में बहुत कमाई है फोटो में शायद है तो मैं क्लिप सबके लोगों के साथ शेयर कर दूंगी लेकिन थोड़ी सी तबीयत तो थोड़ी डाउन थी तो इसलिए वो उतना मतलब सीढ़िया चढ़ पा नहीं पा रही थी तो यहाँ पे हमारा सब हवन ओन होने के बाद में फिर नीचे हम लोग आ गए और यहाँ पर हो रही है आरती आरती होने के बाद में हम सब लोग देखिए यहाँ पर देखिए मेरा भाई है जो ब्लू कलर का शर्ट खड़ा ये भी मेरा भाई है सारे मेरे सारे परिवार यहाँ पे हैं और सब लोग आए हुए हैं बहुत ही अच्छा लगा सबको मिलके पूजा की और ये पीछे साइड में भी देखिए यहाँ पे बाहर है तो सब पंडित जी बोले कि आप दोनों जोड़ी के साथ जाके साथ बड़ों का आशीर्वाद लीजिए तो यहाँ पे मेरे पापा हैं हम उनको पैर छू के उनका आशीर्वाद लिए हैं और जो हमारे घर में बड़े हैं उन सब का भी आशीर्वाद लिए उसके बाद फिर यहाँ पे पंडित जी ने दिया और ये देखिए ये दो आसपास से जो है मेरी चाची हैं और यहाँ मेरी सिस्टर है सिस्टर के हस्बैंड हैं जो मेरे से छोटी वाली भी इधर खड़ी थी और ये है जो मेरी सिस्टर जो कंधे पे पीछे से रखी ये भी मेरी सिस्टर है हम सारे सिस्टर हैं और मेरी उनकी बेटी है यहाँ पे आप लोग के साथ छोटे छोटे क्लिप और ये देखिए ये है मेरी चारों के चारों मेरी चाची हैं एक और थी वो साइट क्लिप कहीं गुम हो गया है तो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है और ये छत पर मैं बना रही थी पूरी सब लोग बोले थे आप पूरी की अब क्या कर रहे हो तो भाई मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारे जो गाँव के जो हलवाई हैं वो सब लोग खाना पीना खा लिए थे तो सबका हो गया था वो थोड़ा सा पूरी बाकी थी हम लोग इस था मैं बोली आप जाइए खाना खा लीजिए और मैं पूरी बना देती हूँ तो हमें सबको बराबर समझना चाहिए है ना और हम जब सबको खाना जैसे कोई एक भूखा रहे तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने यहाँ पे बनाना बनाना या स्टार्ट किया बोला आप खा लीजिए तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब